घर होगा नहीं देगा तो नहीं होगा, अभी 5,000 दो या 20,000 दो। 3 साल से 4 साल से हमको बोला कि घर आपका हो जाएगा, एक बार से दो बार से 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, उसके बाद बोला जो हमको पैसा दीजिए इतना, तो कितना, तो 5,000। स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर। आप लोगों को तो मालूम है कि सरकार की ओर से पीएम आवाज के तहत उन लोगों को सबसे पहले घर मिलना चाहिए जो लोग रहने के लिए घर नहीं दे पा रहा है, जो लोग सिर ढकने के लिए छत नहीं दे पा रहा है उन लोगों को सबसे पहले घर मिलना चाहिए, ये सरकार ने कहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये आरोप लगा है वार्ड परिषद के ऊपर कि एक एक घर देने के लिए गरीब लोगों से घर देने से पहले ही 10,000, 15,000, 20,000 करके उनसे पैसा लिया जा रहा है, और जो मजदूर जो गरीब घर नहीं दे पा रहा है यानी कि पैसा नहीं दे पा रहा है उन लोगों को घर नहीं दे रहा है वार्ड परिषद। जी हाँ, कुछ लोगों का ये आरोप लगा है झारखंड के साहेबगंज जिला के बरवा प्रखंड के वार्ड नंबर 13 के वार्ड परिषद के ऊपर ये आरोप लगा है। जी हाँ, 30 से 35 महिला और कुछ पुरुष ने जाकर बरवा जाकर ये आरोप लगाया है। और वार्ड परिषद का नाम क्या है पूरा आप लोगों को उन्हीं के मुंह से सुनने को मिलेगा, जो लोग जो महिला आरोप लगाया है उन्हीं के मुंह से सुनने को मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो देखिए कि किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से 10,000, 15,000, 20,000 एक एक घर का पैसा लिया जा रहा है घर देने से पहले, और जो मजदूर घर नहीं दे पा रहा है वो पैसा कैसे देगा उन्हें 10,000, 20,000, और कैसे वो पीएम आवाज के तहत घर ले पाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस तरह से इन्हें बचा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बार हम लोग कागज दिए हैं और अभी तक घर नहीं हुआ, पैसा देगा तो घर होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा, अभी पैसा देगी ना तब भी घर होगा, अब पैसा नहीं देगी घर नहीं होगा। बहुत ज्यादा हम लोग माए बहन है सब पैसा दे नहीं पाते, बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, उसको पैसा कहाँ से देंगे। कितना पैसा मांगता है? कितना पैसा? 10,000 दो, 5,000 दो या 20,000 दो, हर चीज का। हम लोग तो कमाते हैं खेत में दूसरे का, तब चावल देते हैं, अभी दूर जाते हैं चावल लेकर आते, तब तो हम लोग घर में खाना पका करते, बच्चा को ट्यूशन कौन कर दिया लॉकडाउन में, पैसा नहीं तो कहाँ से बच्चा को पढ़ाएंगे। अच्छा, पैसा कौन मांगता है? पैसा कौन मांगता है? वार्ड 13 नंबर मांगता है पैसा, पवित्र शाह मांगता है पैसा, नमिता देवी का पति आता है पैसा मांगने के लिए। पैसा दीजिए तब घर बनाएंगे। हाँ, पैसा देंगे तब घर बनाएंगे। सर हम लोग दिए हैं 4,000 करके, 5,000 करके पैसा दिए, बहुत सारा महिला है पैसा दिया, किसी का घर बीमार है, कोई रोपा करने के लोग नहीं आ पाए, बहुत सारा लोग पैसा दिए, हम लोग भी दिए पैसा। अभी 3 साल से 4 साल से हमको बोला कि घर आपका हो जाएगा, एक बार से दो बार से 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, उसके बाद बोला हमको पैसा दीजिए इतना, तो कितना, तो 5,000। 5,000 मेरे पास है नहीं, जब मेरा पैसा आ जाएगा घर बना देंगे हुआ। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से बरहवा वार्ड परिषद नबीता देवी की पति के ऊपर ये आरोप लगा है कि एक एक घर देने से पहले 10,000, 5,000, 20,000 करके पैसा लिया जा रहा है। तो क्या आपके गांव में, क्या आपको घर मिलने के लिए आपको भी पैसा लगा है, या फिर आप पैसा नहीं दे पा रहा है इसलिए आपको घर नहीं मिल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों का विकास करने के लिए हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तभी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तभी आप लोगों का आवाज़ मैं उठा पाऊँगा और सरकार के पास भी पहुँचा पाऊँगा और गाँव में विकास कर पाऊँगा। तो जी हाँ, हमें सपोर्ट करता रहिए।